श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राम भक्तों की विशाल वाहन रैली ने किया जन जागरण। मथुरा अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम लला के भव्य नूतन मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूर्व जन जागरण हेतु मथुरा महानगर में एक विशाल जन जागरण वाहन यात्रा का आयोजन किया गया। जन जागरण दोपहिया वाहन यात्रा चंदपुरी से आरंभ होकर धौलीपाऊ स्टेट बैंक चौराया सौक अड्डा भरतपुर गेट दरेसी रोड डिग गेट अग्रसेन चौक मसानी चौराया गायत्री तपोभूमि चामुंडा मंदिर अग्रसेन वाटिका केशव भवन महाविद्या गोविंद नगर जगन्नाथपुरी भूतेश्वर तिराया बीएसए कॉलेज रोड मौली रोड होते हुए माधवपुरी सरस्वती शिशु मंदिर पर विसर्जित हुई। जन जागरण यात्रा में युवा भक्त रामलला पर आएंगे दर्शन तेरे पाएंगे सौगंध राम की खाते हैं घर घर अक्षर पहुंचाएंगे सारे जग में गुम मची है रामलला की जय जयकार राम कृष्ण विश्वासनाथ सारे देव हमारे साथ जय बजरंगबली जय हनुमान वंदे मातरम जय श्री राम। 22 जनवरी घर घर दीप जलाएंगे दीपावली भव्य मनाएंगे आदि गगनभेदी उद्घोष करते हुए चल रहे थे। वाहन सवार राम भक्तों के गले में भगवा पटका एवं हाथों में भगवा झंडा लहरा रहे थे। नगर के मार्गों पर राम राम भक्तों का नागरिक एवं माता बहनों ने पुष्प बरसाकर स्वागत किया। वाहन यात्रा में संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। इससे पूर्व राम भक्तों को संबोधित करते हुए विभागीय डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा, राम काज करने को सौभाग्य उन्हीं राम भक्तों को मिलता है जिन पर राम की कृपा होती है। हम सब राम भक्त राम जी के इस कार्य में लगे हैं। निश्चित रूप से प्रभु श्री राम सभी भक्तों बेड़ा पार करेंगे। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मथुरा महानगर के राम भक्तों ने जनजागरण हेतु एक विशाल जनजागरण वाहन यात्रा का आयोजन किया है। युवा नौजवान ऐसे राम भक्त सैकड़ों की संख्या में इसमें सहभागी हुए हैं। यह वाहन यात्रा चंद्रपुरी नंदन गार्डन से प्रारंभ होकर के धौली पियाऊ स्टेट बैंक चौराया सौकड्डा भरतपुर गेट दरेसी रोड डीग गेट अग्रसेन चौक मसानी तिराया चामुंडा मंदिर केशव भवन महाविद्या गोविंद नगर जगन्नाथपुरी भूतेश्वर बीएसए कॉलेज रोड और मौली रोड होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर माधवपुरी पर समाप्त हुई है। समस्त नौजवानों के हाथ में भगवान राम के भगवा झंडे और गले में राम नाभी केसरिया दुपट्टा धारण किए हुए थे और सभी नौजवान पूरे जोश और उल्लास के साथ राम भक्ति मलिन होकर के राम लला हम आएंगे दर्शन तेरे पाएंगे सौगंध राम की खाते हैं घर घर अक्षत पहुंचाएंगे 1 2 3 4 राम लला की जय जयकार ऐसे उद्घोष लगाते हुए संपूर्ण यात्रा में चल रहे थे। यात्रा जिन जिन मार्गों से निकली है उन सभी मार्गों पर दोनों ओर खड़े होकर के राम भक्तों ने विशेष स्वागत किया है पुष्प वर्षा की है। यात्रा के प्रारंभ में तो राम जी की झांकी चल रही थी। अनेक स्थानों पर राम भक्त नागरिकों ने झांकी की आरती उतार कर भी अपने को धन्य किया है और संपूर्ण नगर में एक राममय वातावरण प्रस्तुत हुआ है। आगामी एक मास के पश्चात 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजित होंगे और संपूर्ण महानगर के साथ साथ संपूर्ण देश में दीपावली मनाई जाएगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय।